तो हेलो गाइस, इसी से तुम्हारा भाई आगे तो मजबूत अपडेट है। तो आज बहुत दिनों बाद हम नई वीडियो के साथ वापस आ गए। तो आज हम बात करने वाले रैंडम सिन्हा और सम्राट भाई के स्पेस के बारे में, जो उन्होंने संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के ऊपर किया था, जिसमें रैंडम सिन्हा संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को दोनों को ही एक तरीके से फ्रॉड बोलते थे। अब वो किस तरीके से बोलते हैं उसके लिए आपको ये पूरा स्पेस का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पर स्पेस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी दो रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो, और सेकंड जो रिक्वेस्ट है नोमैड को मत भूलना कभी अगर पहली बार आए हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। हर दो महीना पे एक हैशटैग चलता है, हम लोग क्या करेंगे, एक हैशटैग चलाएंगे। मैं दो महीना पहले एक कौन तो किसका अरे आज आज भैया मैं बीच में काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, आज संदीप माहेश्वरी ने पोस्ट करी एमएलएम एक्सपोज्ड। जब सोनू शर्मा तेरी पॉडकास्ट में आया था तब एमएलएम वाले क्या ओडी का वो भेज रहे थे, वो क्या आ रही थी ओडी। आप इस चीज को समझिए, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे वो बंदा है ना, उसकी गांड फटती है बिना रिसर्च किए बोल रहे। अरे सुनो तो वीर भाई, सुनो तो हम बता रहे तुमको। जैसे मान लो कि रैंडम सेना को, फॉर एग्जांपल, रैंडम सेना को 500 लोग ही फॉलो करते हैं, मतलब 500 लोग अपना समझते हैं कि भाई जो बोलेगा अच्छा बोलेगा, इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लो मैं 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक मान लो वीर चौधरी है या सम्राट गौर है, सम्राट और फ्रॉड है या वीर चौधरी फ्रॉड है, अगर हम सम्राट गौर के साथ स्पेस में बैठे हुए होस्ट और कोहोस्ट में, और सम्राट गौर कोई फ्रॉड को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आप सम्राट गौर के उस पे बिजनेस पे जाइए, मतलब एक तरह से वही चीज कि सोनू शर्मा को अगर लाया संदीप महेश्वरी, तो क्या उस टाइम तुम्हारी टीम क्या कर रही थी, कहाँ मरवा रही थी? सोनू शर्मा एमएलएम का बाप है, एमएलएम का सबसे बड़ा फेस है सोनू शर्मा। आपने जैसे ही अपने उस पे, अपने क्या नाम है उसके, स्टेज पे लाया सोनू शर्मा को, आपने वहीं पे सोनू शर्मा को अपने ऑडियंस के सामने प्रमोट कर दिया, आपने वैलिडेट कर दिया कि सोनू शर्मा इज अ गुड गाई, तो वो जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तो आपने ऑडियंस शिफ्टिंग भी वहां पे कर दी सोनू शर्मा पे। सेम वहां विवेक बिंद्रा पे भी यही चीज हुआ। आपकी टीम उस टाइम कहाँ क्या कर रही थी, जो मेरी टीम ये है, मेरी टीम वो है, ऐसे वैसे, उस टाइम भी आपने विवेक बिंद्रा पे वो जो किया, तो आपने रिसर्च पहले क्यों नहीं किया, आप वहां भी प्रमोट कर दिए, तो आपकी ऑडियंस भी जो विवेक बिंद्रा के उससे उसके पोर्ट, मतलब वहां पे जो पॉडकास्ट हुआ आपके प्लेटफॉर्म पे, जो विवेक बिंद्रा बोला और आपकी ऑडियंस जो इन्फ्लुएंस हुए होंगे और तब जो विवेक बिंद्रा को कोर्स लिए होंगे, इसका मतलब आप भी उस फ्रॉड के जिम्मेदार हो। आपने भी वो चीज प्रमोट करके अपने ऑडियंस को फंसवाया, तो आप पैसा पहले वापस करो। मतलब मेरा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों चूतिया। अरे 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 तुम्हें क्या पता, विवेक सर के पास इतना, संदीप सर के पास इतना टाइम थोड़ी है जो अपने शो में आने वाले हर एक बंदे के ऊपर रिसर्च करेंगे। तुम बस जलते हो, वो उनका कोई फायदा नहीं है भाई। वो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन देता है भाई, वो सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। मतलब रैंडम भाई संदीप पे इतनी बड़ी चिटांद है कि उसका दो शब्द कह के देखो ना, तुम्हारे पीछे पड़ जाए वो दो महीने तक, वो तो रोता है भाई। उसको कोई कुछ कह दे तो ये तो भाई आयरनी हो गई कि आप खुद ट्रिगर हो जा रहे हो दो मिनट में।